अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां 2018 में लदाड़ी घास वन्य क्षेत्र को नगर पालिका में जोड़ा गया था, लेकिन 5 साल में यहां कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई। अब गुस्साए ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट से नगर पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी क्षेत्र के वार्ड 9 के ग्रामीण को पहले की तरह ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करने की मांग को लेकर डीएम को शहरी विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पत्र लिखकर नगर पालिका बाड़ाहाट से हटाकर करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ग्रामीणों की दैनिक जीवन शैली वनों पर आधारित है। ग्रामीणों की स्थानीय देवी देवताओं पर धार्मिक आस्था आज भी विद्यमान है। लदाड़ी गांव के लोगों ने उत्तरकाशी शहर के विकास को लेकर कई नाली जमीन सरकारी कार्यालय को बनवाने में दी है। लदाड़ी गांव के लोग नगर पालिका में शामिल होने से गांव को मिलने वाली हर सुविधाओं से वंचित। तरह से शहरों में स्मार्ट सिटी होती है, उसी तरह लदाड़ी गांव को स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। नगर पालिका हमारे संग वैसे अन्याय हुआ है, क्योंकि जब इसका परिसीमन किया गया था तो जैसे क्या नाम कहते हैं, ये हमारा कंसेंट हुआ, डांग हुआ, कोटी हुआ, इन सबको छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को उसमें जबरदस्ती शामिल किया गया। और जो हमारा जो अनुभव है वो बहुत ही कटु है, खराब है। आज जो है हमारे वहाँ पे अपने चरान है, गौ चरान है, देवता है, वह है, तो उस चीज़ का जो है हमें कोई फायदा नहीं मिला और ना हम लोग उसमें रहना चाहते हैं। तो हमारा सरकार से यही है, हम आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठे रहे हैं। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती है, इसको हम अपने आप को उससे मुक्त कराएंगे नगर पालिका से। हम लदाड़ी से आए हैं सभी लोग, क्योंकि हमें जो इससे पूर्व नगर पालिका में हम लोगों को लिया गया, इसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें गांव की लोग से बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि ना तो मनरेगा की और पानी के बिल भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उससे भी लोग मतलब सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए हमें सबको सभी का ये लेके आए हैं कि हमें पूर्व की भांति हमारा जो पुराना जो एरिया है, हमारा मूल लदाड़ी का, उसमें हमें शामिल किया जाए।